चलिए तो श्रुति स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर आंसर्स बताते जाएंगे। नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन है, आप मेरे को आंसर्स बताइए, मैं आंसर चेक करके बताऊंगा कि सही है कि गलत है। आंसर्स हम देखते जाएंगे। ओके। पहला ओके क्वेश्चन, सर, इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियो दिस, देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। आ गया? यस सर, ओके, आंसर प्लीज। सर 2/3, -1/3 एंड -2/3। एग्जैक्टली बेटा, 2/3, -1/3 एंड 2/3। डन, बिल्कुल सही। 2/3, -1/3 एंड -2/3। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा प्रोजेक्शन ऑफ दिस एंड ऑन वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज 4 यूनिट्स। तो मेरा 5 आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल ओके, टू फाइव। वेक्टर ए का बी पर प्रोजेक्शन दिया गया है, तो आपको वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालनी है। तो ए डॉट बी से वैल्यू ऑफ लैम्डा आएगी 5। बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट ओके क्वेश्चन, सर, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए बी एंड सी। ओ हो, बन गया। यस सर, तो ओके, 0 i कैप, -4 j कैप, -k कैप। बिल्कुल सही बेटा। 0 i कैप, -4 j कैप, -k कैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट 1/x 3 से लेके 2, 2 से लेके 3। आंसर यस सर, log 3/2। log 3/2। बिल्कुल सही है, log 3 - log 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलिए। 1 - x रूट एक्स का इंटीग्रेशन। सर 2/3 x^3/2 -2/5 x^5/2 + c। ओके गुड, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द माइनर ऑफ द एलिमेंट a 2 3। माइनर बताइए इसका। सर 7। 7। माइनर में याद रखिएगा पोजिशनल साइन नहीं लेते हैं। ओके, ओके सर, तो ये माइनर सर किस सर एम से डिनोट करते हैं ना, हाँ माइनर को m से डिनोट करते हैं, तो m 2 3 और लिखा जाएगा सर इसका। कोफैक्टर a 2 3 सर किस या से किस करते हैं। c 2 3, दोनों से। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक नेक्स्ट यू क्वेश्चन। सर। x की वैल्यू आ गई, तो 13 आ रही है। x की वैल्यू 13। लेट्स सी। एग्जैक्टली बेटा, x की वैल्यू 13। नेक्स्ट, यस सर, 8th क्वेश्चन नंबर। यस सर, यस, हो गया बन सर, गया। आइडेंटिटी सिंप्लीफाई मैट्रिक्स। करना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। यस सर, ओके, बिल्कुल सही। देन उसके बाद, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 -2 sin इनवर्स -1/2। सर 2π/3 आ रही है। कॉस इनवर्स 1/2 तो π/3, 2 sin इनवर्स -π/6, ऐड कर दिया 2π/3। गुड बेटा, 1 मार्क्स। ठीक है ना, यस प्रिंसिपल सर, वैल्यू का ध्यान रखिएगा साइन और कॉस की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्ट्रिक बाइनरी ऑपरेशन ए एंड बी। ओ हो, 5 और 7 का बाइनरी ऑपरेशन निकाल लिया, 35। सही नहीं पढ़ा है सर, कुछ है ही नहीं है, ये केवल पता। एलसीएम निकालना है बेटा। है अच्छा, ओके सर, ओके ना, बच्चों वाला सर, ओके। क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। कॉस एक्स की पावर वाई, कॉस एक्स की वाई की पावर एक्स है, तो डी वाई डी एक्स निकाला। यस सर, आ गई है सर, वाई कितना? टेन एक्स प्लस log cos y / log cos x + x tan y। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आपका आंसर, मैंने मैच कर लिया। ओके, प्रोसीजर यस सर, इस तरीके से है इसका, और इधर करके। देन इसके बाद है अगला क्वेश्चन। साइन एक्स इक्वल टू वाई साइन ए प्लस वाई। पूरा आंसर वाई में है, मतलब एक्स को अलग करना पड़ेगा और डी एक्स बाई डी वाई करना पड़ेगा, बाद में उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। करा आपने आंसर? यस सर, बन गया सर, हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो एक्स को अलग करके डी एक्स बाई डी वाई करते हैं, उसके बाद हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऐसा करते हैं ना। यस सर, ऐसे ही करेंगे। यस ठीक है, आ गया आंसर। प्रूफ करना था ना। सर, चलिए, यस सर, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 80%। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइम्स सर नहीं मस्ट बना। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 80%। कितने बार कोई बंदा कॉइन को, फेयर कॉइन को टॉस करेगा, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 80%, जिससे कि एटलीस्ट वन हेड प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी वो हो जाए, मोर देन 80% आ जाए। चलिए बेटा, ये तो एक्चुअली ये कॉम्पिटिटिव में जाएगा क्वेश्चन, बहुत बाकी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो ये जेई में जाएगा क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको हटा दिया गया है।
तो मान लेते हैं बेटा कि वो उस बंदे को एन बार टॉस करना पड़ता है, कितने बार, एन बार, एन टाइम्स। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हेडानी की 1/2, फेलियर की 1/2। अब क्या कह रहा है कि एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, ये जो प्रोबेबिलिटी आ रही है इट शुड बी इक्वल टू 80%, ग्रेटर देन 80%। 80% मतलब 80/100। ओके, यस सर, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, एटलीस्ट वन। तो बेटा 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, प्योर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, किसी का एटलीस्ट वन इक्वल टू वन माइनस नन। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नोट कर लो बेटा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट ओके वन इक्वल टू वन माइनस एटली प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। तो प्रोबेबिलिटी हैविंग एटलीस्ट वन हेड इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। ओके सर, ओके, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। तो आपने एन ट्रायल्स फेंके हैं, कह रहा कितने बार फेंका जाए उसको, है ना, नंबर ऑफ ट्रायल टॉसिंग अपने एन बार फेंके हैं। तो बेटा देखिए प्रोबेबिलिटी नो हेड, नो हेड मतलब जीरो हेड, नो हेड मतलब जीरो हेड, समझ में आया। यस ओके बेटा, आप देखो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू आर केसेस में जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनता है बाइनोमियल में, वो क्या बनता है बेटा, लिख लो एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ये बनता है फॉर्मूला, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। तो यहाँ पे आर मतलब कितने हेड है, जीरो हेड है, तो एन सी जीरो पी की पावर जीरो क्यू की पावर एन माइनस जीरो। क्लियर यस श्रुति? सर, तो एन सी क्लियर है जीरो, सर। एन सी जीरो होता है वन, पी मतलब प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर जीरो वन, और क्यू मतलब प्रोबेबिलिटी फेलियर की 1/2 ही है, ये ऊपर लिखा था 1/2, 1/2 की यस पावर सर, एन, 1/2 की पावर एन। तो सॉल्व हो क्या आएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर एन। बेटा ये आ गई किसकी प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी, समझ में आया ना, प्रोबेबिलिटी यस सर, आ गया। ऑफ एटलीस्ट वन हेड ये आ गई। अब ये कह रहा है ये 80% से ज्यादा है, चलो ठीक है अच्छी बात है। तो 1 माइनस 1/2 की पावर एन इक्वल टू 8/10, 80% मतलब 8/10, 1/2 की पावर एन को यहाँ ले आओ तो कितना आ गया, 1/5 आ गया ये बेटा, 1 माइनस 8/10 यानी 10 माइनस 8/10 दैट इज इक्वल टू 1/5 आ गया ये। ओके सॉरी, ओके सर, ये आ गया अपने पास 1/5। तो 1/5 टू, अब 2 की पावर एन, इसको पलट दो बेटा, तो पलटने में साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2 की पावर एन ग्रेटर देन 5। ओके सो क्या एन की क्या वैल्यू हो जाए, तो एन की वैल्यू 1 लोगे तो 2 ग्रेटर देन 5 नो, एन की वैल्यू 2 ले लो 2 ग्रेटर देन 5 नो, एन की वैल्यू 3 लोगे तो 2 की पावर 3 8 बन जाएगा, तो आंसर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, समझ गए। तो मिनिमम वैल्यू बोला है कि यस कम से कम कितने बार, क्योंकि क्वेश्चन में मिनिमम बोला हुआ है। ओके, क्वेश्चन में मिनिमम बोला गया, लीस्ट नंबर ऑफ ट्रायल। ओके हाँ, हाउ मेनी टाइम्स ओके मस्ट अ मैन ट्राई एटलीस्ट वन हेड, है ना, कितने बार, तो एन इक्वल टू 3, मिनिमम वैल्यू जो होगी 3 होगी, मतलब 3 बार वो फेंकेगा टॉस को। सो आंसर, ए मैन मस्ट हैव टू टॉस अ फेयर कॉइन 3 टाइम्स। ओके, बट आउट ऑफ सिलेबस हो गया है तो नहीं आएगा, क्योंकि बर्नोलीज ट्रायल का जो फॉर्मूला था एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, वो बाहर हो चुका है इस बार। हेलो एरिना, क्लियर? यस ओके सर, मैं बीच में आई हूँ सर, हाँ, समझा दीजिए नहीं मेरा। ये वाला बेटा आउट ऑफ सिलेबस था इसीलिए मैंने इसको यूज कर लिया, ठीक है ओके सर, चलो अभी दोबारा आएगा तो फिर से बता दूंगा, अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 एरिना, शुरू से लेके 1 से लेके 13 तक के आंसर चेक हो गए हैं आपके साथ, बाद में चेक कर देंगे अभी कर जाएंगे। फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस दिस एंड दिस, बन गया जी? नहीं सर, मेरे से नहीं बना, अरे ये तो बहुत इजी समय क्वेश्चन से है भी। बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 4। अब बेटा सबसे पहले 1 2 4 से जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन बी इक्वल टू जेड प्लस 4 अपॉन c, होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा, ओके, तो ये यस सर, पहली लाइन का होगा, इक्वेशन बना लो बेटा, ये देखो, बोलो यस। यस सर, अब ये कह रहा है कि ये जो अपनी लाइन है, मान लो ये अपनी लाइन है, ये दो अनादर लाइन दी गई हैं, ये
ये इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन, मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो उसकी प्रोडक्ट जो पेयर बनेगी ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू इक्वल टू जीरो बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ सर एक बार और सर बताइए सर। बेटा ये हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमने ए बी सी माने, हाँ सर माने, और वो जो दो लाइंस दी गई हैं वो परपेंडिकुलर दी गई हैं क्वेश्चन की तरफ से, बोलो हाँ हाँ सर। तो हमारे डायरेक्शन रेशियो और इनके डायरेक्शन रेशियो के बीच में क्या रिलेशन होगी, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, हाँ या ना। यस सर, अब आ गया। तो ये परपेंडिकुलर होगा तो क्या बनेगा, थ्री ए माइनस सिक्सटीन बी प्लस सेवन सी इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या बनेगा, थ्री ए प्लस एट बी माइनस फाइव सी इक्वल टू जीरो, बोलो यस। यस सर। ये दिख गए दो इक्वेशन, हाँ सर दिख गए, इनको सॉल्व कर लो, वो ए बी सी की वैल्यू बताई थी मैंने क्रॉस मेथड से सॉल्व करने पे, यस सर भूल गए, यस सर आ गई। एरिना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, यस सर क्लियर है। ओके, अब ए बी सी की वैल्यू बेटा इसको काट दो, अच्छी लगेगी, किससे काट दो, छः से, बारह से भी कट रही है, चौबीस से नहीं कट रही है, बारह से कट रही है, हाँ अठारह से भी नहीं कट रहा, बारह से काट दो बेटा, बारह दूनी चौबीस, ट्वेल्व थ्री ज़ा थर्टी सिक्स एंड ट्वेल्व सिक्स ज़ा टू थ्री सिक्स, मतलब वैल्यू आ गई टू थ्री सिक्स, बोलो हाँ। हाँ सर। लैम्डा के इक्वल ले लिया तो ए इक्वल टू टू लैम्डा, बी इक्वल टू थ्री लैम्डा, सी इक्वल टू सिक्स लैम्डा, बोलो यस। यस सर। हाँ ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, टू लैम्डा थ्री लैम्डा सिक्स लैम्डा, तो इक्वेशन बनेगा एक्स अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन टू लैम्डा वाई माइनस अपॉन थ्री लैम्डा इक्वल टू सॉरी जेड प्लस फोर अपॉन सिक्स लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, आंसर आ गया, क्लियर क्लियर सर। ओके, अब इसके बाद वेक्टर फॉर्म में लिख दो, तो वेक्टर फॉर्म इक्वल टू आर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, वेक्टर ए मतलब जिससे वेक्टर जा रहा है पॉइंट वन टू थ्री, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस लैम्डा इंटू डायरेक्शन वेक्टर टू थ्री सिक्स, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप, बोलो आया समझ में कि नहीं आया। यस सर आ गया। एरिना आप भी बोलो बेटा। यस सर आ गया। कर लोगे ना एग्जाम में आएगा तो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बन जाएगा ना। यस सर। चलो लिखो बेटा, इसमें होमवर्क लिख लो कॉपी में, एग्जाम्पल नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन होमवर्क लिख लो और डेढ़ पेज छोड़ दो, वन एंड हाफ पेज छोड़ दो, पेज छूटा रहेगा तो याद आती रहेगी, करते रहोगे ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ए बी सी आर द थ्री वेक्टर, मॉड ए इतना मॉड बी इतना मॉड सी इतना और ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके बच्चों, बना कि नहीं बना? बन गया सर। बन गया, वेरी गुड, एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो स्क्वायर कर देते, काय को इतना फालतू में ये सब किया, स्क्वायर करके और जल्दी आ जाएगा, कितना आया बच्चों, माइनस 169 आया कि नहीं आया? यस सही है। ओके, कैसे किया, स्क्वायर करके कि इसी मेथड से किया? सर ऐसे ही किया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर निकाल लो बी स्क्वायर निकाल लो, तीनों को जोड़ के टू ऐड कर दिया होगा, नो प्रॉब्लम। एरिना आपका आ गया? नहीं सर। तो क्यों नहीं बोलती हो बेटा? चलो देखो एरिना, देखो कैसे करेंगे बेटा, देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो वेक्टर है कि नहीं है? यस सर है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास हमारे पास दिया गया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो वेक्टर है, और हम लोग जहाँ स्क्वायर कर दो बेटा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो वेक्टर का स्क्वायर। बच्चों आपको पता होगा कि किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, पढ़ाया yes, sir. पढ़ाया गया आपको ये, किसी सज्जन ने पढ़ाया था, किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर होके इक्वल होता है। ओके सर आपने पढ़ाया। ओके ओके थैंक यू, तो चलिए इसका स्क्वायर कर देते हैं, देखिए बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी और डॉट ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर इसके जीरो के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लो बच्चों, तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो, तो ये हो गया जीरो का स्क्वायर, बोलो यस। यस सर। और जीरो स्क्वायर जीरो होता है ना। चलिए अब इसको ओपन करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा, देखो इसका आएगा ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस टू
अब खुलेगा तो ए डॉट बी प्लस टू बी डॉट सी प्लस टू सी डॉट ए, उधर कुछ नहीं तो जीरो। ओके, वेक्टर ए का स्क्वायर, फिर से वही बात, किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, प्लस टू कॉमन ले लिया तो अंदर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू जीरो। श्रुति, मॉड ए कितना दिया गया है? सर 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 25 हो गया कि नहीं हुआ? 5 का स्क्वायर 25। मॉड बी कितना दिया श्रुति? सर 12। 12 का स्क्वायर 144। मॉड सी कितना दिया है? 13। हाँ 13 सर, 13 मतलब 169 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। बेटा इन तीनों को जोड़ो जरा, 225 प्लस 164 प्लस 169, आई थिंक ये भी 338। ओके, तो यहाँ से 338 इस तरफ आएगा तो माइनस 338 हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे बचा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, तो यहाँ बेटा प्रोडक्ट में 2 था, इधर आएगा डिवाइड में, तो इसको कैंसिल करेगा तो कितने बार जाएगा? 169। हाँ, तो आंसर बचा माइनस 169। बोलो एरिना, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? यस सर क्लियर है। ओके, तो ये वाला इजी है ना श्रुति? यस सर। तो खींच लो फोटो। ओके सर। ओके, यस सर खींच ली फोटो। डन, चले समझ में आ गया? यस सर। ओके चलिए जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भैया? सॉल्व द इक्वेशन। यार मुझे होमोजीनियस लग रहा है, बोलो कर लिया कि लीनियर है ये? एक मिनट, लीनियर डिवाइड सर, होमोजीनियस सर, होमोजीनियस ही है। चलो सर आगे, आंसर आंसर आगे। हाँ जी बच्चों, होमोजीनियस है, बिल्कुल होमोजीनियस। मेरा नहीं आया। ओ कहाँ फंस गया बेटा? सबसे पहले ये बना कि नहीं बना बताओ, ये वाला पार्ट बना कि नहीं बना? यस सर ये वाला पार्ट बन गया। फिर बेटा वाई इक्वल टू वी एक्स रखने के बाद ये सिंपलीफाई हुआ, इतने में आया कि नहीं आया? डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस टू डी वी अपॉन वी स्क्वायर बना कि नहीं बना ये वाला पार्ट? नहीं बना सर। हाँ तो यही गलती हुई है बेटा आपसे, यहीं पर गलती हुई है, कहीं पर मिस्टेक हुई है देखो आपसे। अब मैं बता देता हूँ कैसे ढूंढना है गलती। हाँ बेटा, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह लेफ्ट में वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट किया। हाँ सर किया। इक्वल टू टू एक्स इंटू वी एक्स माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर। टू एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेके नीचे से टू एक्स स्क्वायर ऊपर टू एक्स स्क्वायर कैंसिल करो और बचेगा वी माइनस वी स्क्वायर बाई टू बचा। हाँ सर ओके, मिल गई गलती। हाँ सर। हाँ अब इधर वाले वी से इधर वाला वी कैंसिल कर दिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर मेरे को अभी लीव करना पड़ेगा सर, बस मैं 2 मिनट में वापस आएंगे। ओके नो प्रॉब्लम बेटा, एक्स ठीक है ना श्रुति? हाँ क्लियर सर, ठीक। हाँ ठीक है बेटा आप जाइए। ओके श्रुति, तो डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन वी स्क्वायर इंटीग्रेट करने के बाद ये सिचुएशन दी दी गई है, वैल्यू रख करके आ गया आंसर? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कह रहा है गिवन दैट वाई, पर्टिकुलर कंडीशंस दी गई हैं इस क्वेश्चन में। हाँ सर। चलिए तो पहले इक्वेशन बनाया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सीधा वेरिएबल सेपरेबल में पहुंच गया है ना बेटा? यस सर। सीधा वेरिएबल सेपरेबल में पहुंच गया, इंटीग्रेट किया ये आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर इतना आ गया, कंडीशंस रख दी। बेटा देखो आंसर मैच हो रहा है क्या? टेन वर्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस पाई बाई फोर। यस सही है। चलिए वेरी गुड बेटा, 4 में से 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद 17, साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स, दो की जोड़ी बना के 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई करके करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस को। हाँ सर ऐसे किया सर, माइनस 2 का सर। हाँ माइनस 2 का या कर दो या प्लस 2 का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने ऊपर है। हाँ, है ना। आंसर आंसर चेक करिए बेटा, माइनस कॉस 2x बाई 8 कॉस 6x बाई 24 कॉस 4x बाई 16 यही आया।
यस सर, यही है। ओके चलिए ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर किससे होगा? पार्शियल फ्रैक्शन से। तो दो पार्ट में ब्रेक होगा, बिल्कुल दो पार्ट में ब्रेक हो गया इस तरीके से, और इसको फिर इंटीग्रेट किया, ए और बी और सी की वैल्यू निकाल ली कोफिशियंट कंपेयर करके। ए बी सी के कोफिशियंट तीनों 1 1 1 आ गए आंसर। बेटा ये यस स्ट्रक्चर बनी आपकी, हाँ सर, यही बनी है। तो आंसर फाइनली आएगा -log 1 - x +1/2 1 + x² +tan−1 x। देखिए क्या यही आंसर है। यस सर, यही आया है। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 के बाद 18। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज वाई इक्वल टू एक्स माइनस 11। बताओ बेटा क्या पॉइंट निकले? टू और -9 टू और -9। तो यस, तो पॉइंट मान लिया x1 y1, डिफरेंशिएट किया, ये करा, इसका स्लोप देखा, ये स्लोप इसके इक्वल है, स्लोप निकाल करके इक्वल कर दिया, तो स्लोप आया, एक्स की वैल्यू आई +-2, एक्स इक्वल टू +-2। बेटा दो पॉइंट आएंगे, एक मिनट, हाँ सर, एक बट सर एक सेटिस्फाई नहीं सेटिस्फाई नहीं कर करेगा। रहा। ओके ओके बेटा बिल्कुल सही, वेरी हाँ गुड, सर, एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये बहुत अच्छा काम किया आपने, कर्म में पुट कर लिया और पता चल गया। यस सर, में से किया तो पता चला। ठीक, नेक्स्ट, यूजिंग डिफरेंशियल्स फॉर द फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 49.5। छोड़ दिया बेटा ये। हाँ सर, ये छोड़ दिया। ओके तो देखिए फंक्शन बना लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, और 0.5 है और एक्स की वैल्यू 49, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू 49.5 चाहिए। ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना होता है? एफ ऑफ एक्स डैश प्लस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ओके सो एफ एक्स इक्वल्स टू इतना हो जाएगा यहाँ से 79, 1/2 √x। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ से 49.5 - 7 इक्वल टू 1/14 आ गया, उसको करके वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये तो हो गया। हाँ, वाई इक्वल टू 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन शो दैट। हो गया प्रूफ बेटा ये 19। हाँ सर, ये हो गया था। ओके यस, तो वाई इक्वल टू 10 इनवर्स x का स्क्वायर डिफरेंशिएट करके ये बनेगा, फिर इसके बाद 1 + x² इक्वल टू 2 tan−1 x है, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे तो आंसर आ जाता है। ये बेटा IMP लिख लो ये, क्योंकि NCERT का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार आया ये क्वेश्चन और बच्चों से बनता भी नहीं है। चलिए एरिना आ सर गई मैंने क्या? सर दोनों साइड निकाला सर, dy/dx और d²y/dx। ठीक है, तो आपने वैसे निकाल के कर दिया है। हाँ सर, इसके बाद भी एक और क्वेश्चन है सर, जिसमें मैंने डायरेक्ट किया तो सर बन गया था, ये वाला ट्राई नहीं किया था ये बेटा तो उसमें वैसे। हाँ आपसे ज्यादा मेहनत लगी होगी, उसमें अगर आपने अलग अलग निकाला है तो ज्यादा मेहनत लगी होगी, है ना? हाँ, तो सर, उसमें ज्यादा मेहनत यस लगी, इसीलिए मेथड बनाया गया है कि कम मेहनत लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ओके। यूजिंग प्रॉपर्टीज आपको डिटरमिनेंट से प्रूव करना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है भाई, एक बार पहले तीनों को जोड़ लो, उसके बाद 1/1 माइनस करना पड़ेगा। तो R1 tends to R1 इंटरचेंज विद R3, R3 इंटरचेंज विद R2, इसके बाद जोड़ दिया गया, a+b+c बन गया है। देन R1 में से R2 माइनस कर दिया तो R1 खत्म हो गया, फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया, R3 में से R1 tends to R1 - R2, तो R1 ऐसा बच गया, फिर R3 tends to R3 - R1 ये बच गया, एंड देन R1 tends to R1 - R3 फाइनली ये बच गया। चलो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट साइन 10 इनवर्स दिस दिस ओहो π − 4 − x/2। बच्चों काफी बार ये क्वेश्चन किया हम लोगों ने, किया कि नहीं किया बताओ? यस सर, बन गया। रट गया ये क्वेश्चन, है ना? हाँ सर, वो भी सर 3-4 तरीके से। 3 4 तरीके से कर लिया। ओके है ना, तो इसमें ये डोमेन वगैरह का लिखा हुआ है कि -π/2 से लेके π/4 − x/2 जो होता है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में लाई करता है ना, ये बताई गई इसमें। चलिए अच्छी बात है भैया। यस देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ये कर लिया, sin−8/17 + sin−8/2 = cos। तो यार या तो ऐड करके cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या आप इसमें इसको a मान लो, इसको b मान लो, और cos a + b का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, उससे भी आ जाएगा ये, यस सर, वैसे ही किया ठीक सर। ना? यस हाँ, तो इसको a मान लिया, इससे आपने सर, cos लगा लिया, हाँ cos निकाल लिए दोनों, और cos लगाने के बाद आपने cos a + b का फॉर्मूला लगा लिया, तो cos a cos b इक्वल टू cos n2 cos b −sin a sin b, और फाइनली फिर cos उछल करके वहां चला जाएगा, तो आंसर आपका cos के टर्म में आ जाएगा। तो प्रूफ करना था क्या ये?
हाँ तो प्रूफ करना था, तो यस बिल्कुल सर, प्रूफ कॉस करना की है। फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। बन जाएगा बेटा, बन गया। यस सर, बन गया। ओके चलिए जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22।